फरदीन खान अपने मरने की अफवाहों से हुए नाराज। कहा, दो बार कहा गया है कि मैं मर चुका हूं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फरदीन खान ने कहा था कि दो बार कहा गया है कि मैं एक्सीडेंट में मर गया था। इन खबरों ने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि अगर मेरी माँ ने यह देखा तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, या मेरी वाइफ को इस बारे में पता चले, या कोई और इस खबर को पढ़े, इसलिए मैं इस गैर जिम्मेदारी को लेकर चिढ़ गया। मुझे लगता है कि यह काफ़ी समय पहले की बात है, जब सबसे पहले रामपाल ने मुझे मैसेज किया, क्या तुम ठीक हो। मुझे नहीं पता कि उन्होंने यह देखने के लिए फ़ोन किया कि मैं मर गया या जिंदा हूँ। फरदीन बॉलीवुड में हॉरर ड्रामा फिल्म विस्फोट से कमबैक करने जा रहे हैं। बता दें, एक्टर आखिरी बार 2010 में आई फिल्म दूल्हा मिल गया में नजर आए थे, जिसमें सुष्मिता सेन भी लीड रोल में थी। एक्टर फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है। उन्होंने एक मैसेज भी लिखा, वापस आने के लिए एक्साइटेड हूँ, आप सभी से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, चाहे वह टीवी स्क्रीन हो या सिनेमा स्क्रीन। मैं यह देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता कि आप फरदीन 2.0 के बारे में क्या सोचते हैं। फिल्म विस्फोट में फरदीन रितेश देशमुख, प्रिया बापट और क्रिस्टल डिसूजा के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे।